हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड फाइनली गाइस, ये हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का होने वाला है डे नंबर वन। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार होगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड यार, अपडेट के बाद काफी ज्यादा को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई यार, हमें ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है। ग्रीन कार्ड कहाँ मिलेगा? जहाँ पहले ग्रीन कार्ड मिलता था वहां नहीं मिल रहा है। तो भाई, एक सर्वर में मैंने भी नोटिस किया, एंड आज जो है ना न्यू सर्वर है, एंड मैं जो है ना अभी सबसे पहले आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था अपने को ग्रीन कार्ड चाहिए। तो फाइनली गाइस, अपडेट के बाद जो है ना आप लोगों को ग्रीन कार्ड ओनली शॉप में मिलेगा। एबेंडेंट में आपको कहीं पे भी ग्रीन कार्ड नहीं मिलने वाला, ना ही मिलिट्री में। तो जितने भी शॉप्स हैं, गैस स्टेशन से, वहां पे आप लोगों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। और हाँ यार, एक छोटी सी जगह है जहां से आप लोगों को ग्रीन कार्ड मिल सकता है, या फिर भालू की केव, या फिर कहीं पे भी गाइस जहां पे आप लोगों को छोटे छोटे घर दिखते हैं ना, तो वहां पे भी आप लोगों को काफी ज्यादा ग्रीन कार्ड मिलता है। तो अभी जो है ना गाइस, मैंने ग्रीन कार्ड उठा लिया था वहां से, गैस स्टेशन से। उसके बाद मैं आ चुका हूं सीधा यहां पे। ऑलरेडी यार, जो रेडिएशन मास्क है दो लेवल का, वो ऑलरेडी यार एक बंदा लेके जा चुका है, पर उसके पास यार यहाँ पे कार्ड नहीं था, तो उसने जो है ना ग्रीन कार्ड नहीं करा। एंड अपनी यार शुरुआत तो काफी अच्छी हो चुकी है। मतलब यार, किसी भी नए सर्वर में अगर आपको ग्रीन कार्ड और ब्लू कार्ड मिल जाए तो आपको क्या चाहिए। तो भाई, अभी जो है ना अपने को कार्ड्स वगैरह तो मिल चुके हैं, और मैंने डिसाइड करा क्यों ना यार, इस बार जो है ना हम लोग आइसमैन बनते हैं। तो मैंने डिसाइड करा आज जो है ना गाइस, हम लोग जो है अपना बेस बनाएंगे क्रूड ऑयल के सामने, जो कि काफी ज्यादा मस्त लोकेशन है। सो मैंने डिसाइड करा अभी हम लोग यहाँ पे से फार्म करके निकल ही रहे थे, तो यार यहाँ पे एक इंडियन भाई था, भाई जंप कर करके अपन को मारने की पूरी प्लानिंग थी। पर अपन ने यार क्या ही गजब का दिमाग लगाया। तो आज जो है ना गाइस, तुम्हारा भाई हेडफोन लगा के खेल रहा था, तो पता चल गया भाई पीछे से कोई मारने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे कैसे मार दोगे यार? तो चलो गाइस, मैंने फटाफट से इसको मारा। वैसे ये भाई जो है ना काफी ज्यादा लोडेड था भाई, मजा आ गया इतना सारा सामान देख के। पर अभी अपने क्या गिराना है, तो यार मेरे पास काफी ज्यादा हैमर्स थे, तो मैंने डिसाइड करा यार इन हैमर्स को गिरा देते हैं। वैसे यार, मुझे चैलेंज पता है यार हैमर रेड का। तो आपको जो है ना गाइस, नेक्स्ट वीडियो में एक काफी गजब का सीन दिखेगा। तो मैंने डिसाइड करा जाते जाते जो है ना हम लोग यहाँ पे फार्मिंग कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे भी गाइस आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, पर यहाँ पे गया यार ऑलरेडी कोई बंदा लूट के जा चुका है। सो यहाँ पे मैं पहुंच चुका क्रूड ऑयल के पास में। तो मैंने डिसाइड करा चलो क्यों ना हम लोग कुछ दिन तक ले यहाँ पे बेस बनाते हैं। तो आ चुके ना गाइस इस सर्वर में मैं काफी शांति प्रिय लोग, मतलब अपन लोगों ने कहा हम लोग जो है ना शांति से रहेंगे, किसी से भी ज्यादा इतना फाइट वगैरह नहीं करेंगे, अपने नॉर्मल मजे करके खेलेंगे। पर यार लगता है इस सर्वर में कुछ बंदों को वो पसंद नहीं था। तो भाई यार, कल जो है ना एक काफी गजब का सीन हुआ, डे नंबर थ्री में। सो वो नहीं बताऊंगा मैं। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड करा यार अब तो अपने फ्रेंड्स लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। एंड देखो गाइज, अभी आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो फटाफट से जो है ना मैं अपना 2x2 का स्टार्टर बेस बना लेता हूँ। काफी भाई लोग बोलते हैं भाई बड़ा लीजन बेस बना, भाई ये सोलो खेल रहा हूँ, बड़ा लीजन बेस बना के फायदा क्या है यार, इतना बेस से ही हम लोग अपना काम कर लेंगे ना। तो चलो गाइज, जब तक हम लोग यहाँ पे बेस बना रहे हैं, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में नया है, एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं, कितना रखे आप लोग बताइए। 400 तो आप लोगों ने पहले कंप्लीट कर दिया था। सो ऐसे करते हैं गाइस, इस बार हम लोग लाइक का एम रखते हैं कम से कम 450। आई होप यार इतना लाइक तो आप लोग करा ही दोगे। तो भाई अपना बेस लगभग बन के रेडी हो चुका है, ऑलरेडी रेड टाइम चल रहा है। सो मैंने डिसाइड करा फटाक से जो है ना हम लोग अपना बेस आयरन कैसे मार दें, पर आयरन तो गाइस अपने पास है नहीं, तो मैंने डिसाइड करा चलो भाई स्टोन का ही मार दो। और अभी जो है ना मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो ऐसे करते फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा क्रूड ऑयल, एंड वहां से थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी फॉर्म करके आएंगे, क्योंकि अपने को जो है ना फर्नेस बनानी है, कम से कम 3-4 तो लगेगी यार, बिना फर्नेस के तो काम नहीं बनेगा। और हाँ यार, मुझे मास्क भी चाहिए, अगर मास्क मिल गया ना तो यहां से हम लोग भागेंगे सीधा हार्ट ऑफ द शिप भाई। पर ये सर्वर में यार तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी हार्ट ऑफ द शिप नहीं मिला, लगता है कोई अपना सब्सक्राइबर भाई आया है यहाँ पे। ओके यार, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, बस अपने को मास्क मिल जाना चाहिए लेवल 2 वाला।
भाई अपनी किस्मत आज अच्छी है, मतलब लेवल 2 का भी मास्क मिल गया। तो चलो गाइस उठाते फटाफट से और लगते हैं यहाँ पे ऑयल फार्म करने में। भाई अपने को कार्ड काफी ज्यादा मिल रहे हैं, लगता है अपनी किस्मत काफी अच्छी है। ओ भाई ये चकवा लेके अपने पीछे भाग रहा है, तो इसको तो मारना पड़ेगा। क्या बोलते हो भाई, इसको मारे? नहीं अपन नहीं छोड़ेगा आज, तो इसको मार के देगा। ए बे किधर किधर, रुक जा, इधर से तेरी मुंडी फोड़ूंगा, कपाल कचा दूंगा इसका। देखो मैं सॉरी गाइस ये गढ़वाली बोला मैंने थोड़ा सा, कपाल मतलब सर, कचाना मतलब मार मार के फोड़ देना, ठीक है समझ गए होंगे। आई थी काफी ज्यादा भाई लोग बोलते हैं कि भाई तू यार गुजराती है, कोई बोलते है भाई तुझे पंजाबी आती है। नहीं यार मैं एक्चुअली मैं उत्तराखंड से हूँ एंड गढ़वाली बोलता हूँ यार। चलो कोई नहीं, तो हम लोगों ने इस बॉट को मार दिया है भाई। फटाफट से हम लोग जो है ना अभी तेल फार्म करते हैं, क्योंकि अपने को यार तेल चाहिए। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने लगभग पूरे का पूरा तेल या आई मीन क्रूड ऑयल को क्लियर कर दिया है। सो मुझे नहीं लगता अभी अपने को क्रूड ऑयल यहाँ पे रिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास 200 से ज्यादा क्रूड ऑयल हो चुका है। एंड अभी जो है ना फटाफट से हम लोग अपने के लिए फर्नेस बनाते हैं। तो ओके यार यहाँ पे ड्रॉअर तो क्लोज कर दिया है, लगभग कितनी फर्नेस बनाए? वैसे लगता है मुझे 3 या 4 फर्नेस सफिशियंट हो गए यार सोलो के लिए। तो चलो ऐसे करते हैं फटाफट से हम लोग 4 फर्नेस ही बना लेते हैं। तो जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है वो यहां पे रखता हूं एंड लगभग अपनी जो फर्नेस है वो बन के रेडी हो चुकी है। भाई थोड़ा सा वुड चाहिए अपने को, ऐसे कर तो इसको स्प्लिट करके रखता हूं एंड फटाक से जो है ना हम लोग जितना भी माल अपने पास है वो सारा का सारा हम लोग फर्नेस में डाल देंगे। भाई बचा के क्या करना है, ऑलरेडी काफी अच्छा सामान मैं पहले ही फार्म कर लिया था। तो चलो गाइस फटाफट से हम लोग दूसरी तीसरी भी लगाते हैं एंड चौथी। मुझे नहीं लगता अभी चौथी फर्नेस लगा के कोई भी फायदा है, तो जितनी भी है उतने से हम लोग अभी काम चला लेंगे। भाई ये थोड़ा सा सामान है, ऐसे कहते इसको बॉक्स में डालता हूं। चलो भाई अब मुझे लगता है फटाफट से हम लोग यहां पर सीधा निकलते हैं क्रूड वो आई मीन हार्ट ऑफ द शिप। क्या हम लोग लूट पाएंगे? वैसे ज्यादा नहीं, ब्लू कार्ड तो उठा ही लेंगे वहां से। सो अगर ब्लू कार्ड उठ गया तो हम लोग इसके बाद जो है ना इजिली ब्लू रूम कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास 2 ब्लू कार्ड होंगे तो भाई रूम तो इजिली होगा। लेट्स गो, चलो गाइस चलते हैं फटाफट से। तो ओके यार यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ। बस यहाँ पे जो है ना शार्क की आवाज आने लगी, शार्क भी बोल रहा होगा भाई इधर आ तेरे को मारूंगा। पर अभी जो है ना हम लोग शार्क से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेंगे, ओनली ग्रीन रूम से ब्लू कार्ड उठाएंगे और भगेंगे यहाँ पे से, क्योंकि अपन लोग यार ब्लू रूम तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि अपने पास ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है। और आपको पता है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के तो गाइज आप लोग अंदर जा भी नहीं पाओगे। चलो अपने को हार्पून गन तो मिल गई और अपने को नहीं चाहिए, ओ महंगा वाला शूट मिला है भाई। कभी जमाना था गाइज आपको इसकी रेसिपी मिल जाती थी, आप तो रेसिपी कहाँ मिलती है भाई, गेम वाले बिगड़ गए, गेम वाले को बस पैसा चाहिए। चलो यार अभी अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे देख लो तो टूल बॉक्स है। सो वहाँ पे तो कोई टूल बॉक्स है नहीं। अबे किधर किधर, ले खा फटका, रुक जा भाई ले। ओ भाई ओ भाई किस्मत देखो, आई मीन जॉम्बी से अपने को ग्रीन कार्ड मिल गया भाई, मजा आ गया। पहले मैं हील करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग फटाक से जो है ना ग्रीन रूम करेंगे। और काफी ज्यादा भाई लोग बोलते हैं भाई यार तू कभी भी क्रॉसबो से फाइट नहीं करता, कभी यार क्रॉसबो से भी फाइट कर। तो भाई आज तो तुम्हारे भाई ने बोला है आज तो तुम्हारा भाई कुछ अलग करेगा, तो मैंने डिसाइड करा फटाफट से जो है ना 2 क्रॉसबो लेके मैं तो निकल गया गाइस रोड फार्म करने में। मैंने कहा आज तो भाई तुम्हारी मन की जो इच्छा है ना वही हम लोग पूरी करेंगे। तो भाई इस बारी जो है ना भाई लोग बोलते हैं कि भाई हैमर रेड कर, तुम्हारे भाई ने गाइस हैमर रेड भी किया है काफी ज्यादा एंड अभी जो है ना आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए करेगा क्रॉस ऑफ फाइट। तो चलो यार चलते हैं फटाफट से वायर डालते हैं, ऑलरेडी अपने पास काफी ज्यादा वायर है तो यहाँ पे 10-15 वायर में तो इजीली ये रूम हो जाता है। ओ भाई ब्लू कार्ड भी मिल चुका है, मजा आ गया। बस यार अभी SMG नहीं मिला, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपने को मिल ही जाएगा SMG कहीं ना कहीं। तो चलो यार अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं। वैसे काफी ज्यादा भाई लोग बोलेंगे कि भाई ब्लू रूम भी कर, हो जाएगा।
अरे हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, जब हम लोग फुल प्रोटेक्शन से आएंगे ना गाइस तब हम लोग करेंगे, तो चलते हैं अभी। भाई सार्क से बिल्कुल पंगा नहीं लूंगा मैं, नो पंगा भी सार्क। तो ओके गाइस यहाँ पे हम लोग हार्ट ऑफ द शिप भी लूट के आ चुके हैं। सो अपने पास यहाँ पे दो ग्रीन कार्ड दो ब्लू कार्ड हो चुके हैं और अपने को क्या चाहिए, तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा फटाफट से जो है ना हम लोग चकुए की रेसिपी लर्न करते हैं, क्योंकि अपने पास यार ऑलरेडी चकुआ है। एंड उसके बाद जो है ना हम लोग निकलेंगे रोड फार्म करने के लिए, एंड रोड में आए जितने भी बंदे मिलेंगे सो इस बारी हम लोग मारने वाले हैं उनको क्रॉसबो से, वही मजा आएगा। चलो ये बैग मैं यहाँ पे मूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाएगा अपने बेस में। एंड यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपना ड्राफ्टिंग टेबल। अभी सबसे पहले हम लोग चकुए का रेसिपी लर्न करेंगे, क्योंकि यार डंडे से कब तक तोड़ेंगे यार बक्से। वैसे अब तो पहले तो हम लोग स्प्रिट मॉन्स्टर्स को मार के इजीली यार स्पीयर कलेक्ट कर लेते थे, पर अब तो यार गेम वालों ने वो भी हटा दिया। चलो कोई नहीं गाइस, पर अपना चकुआ का रेसिपी लर्न हो चुका है, फटाफट से उसको लर्न करते हैं एंड चकुआ बना लेते हैं अपने के लिए। लगभग 3 से 4 चकुए बना देंगे लेके चलेंगे, क्योंकि यार अभी और कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी यार रूम्स वगैरह तो बंदों ने कर लिए होंगे, तो लगभग अपने को 2 रूम चाहिए। ओ ओ ओ ओ बंदा आया किधर किधर, आई थिंक इसके पास भी क्रॉस में। ओ बेटे क्रॉस में फाइट, एक 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 लगा नहीं, मिस हो गया। ओके गाइस अब लगा, भाग रहा है। ओ भाई भाग मत यार, क्रॉस में फाइट है, मजा आएगा भाई। भाग रहा था यार, उसकी एक बुलेट लगी ना भागने लगा लोटा। चलो कोई नहीं गाइस, अपने को इससे काफी अच्छे क्रॉसबो मिल चुके हैं भाई, उठा लो लोड। तो थोड़ा सा यहाँ पे रेसिपीज वगैरह मिली है, फटाफट से जो है ना मैं उसे लर्न करता हूं। बंदे के पास अच्छा सामान था यार, इसीलिए भाग रहा था, मैं तो सोचा है भी भाग रहा है, पर नहीं। दिस गाइस हैव सो मेनी लूट, आई लाइक इट, जस्ट वर्किंग गो। चलो गाइस चलते हैं फटाफट से। ओ भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। सो मैंने डिसाइड करा यार यहाँ से गैराज के बगल से जा ही रहे हैं, तो अपने कुछ कंपोनेंट डिसमेंटल मार लेते हैं। सो यार यहाँ पे मैं कंपोनेंट डिसमेंटल मार रहा था, तो ऐसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ किया, तब तक गाइस यहाँ पे पीछे से एक बंदे ने सरप्राइज ब्रदर कर दिया अपना। मैं तो भाई एक तरीके के लिए डर ही गया था, पर जैसे तैसे करके तुम्हारे भाई ने जो है ना उसको क्रॉसबो तो मार ही दिया। तो उसके बाद जो है ना मैं सामान उठा के यहाँ पे सब भाग ही रहा था, देखो बंदा पीछे से अपने को पिस्टल से मार रहा है भाई। देखो गाइस उसे पता है ना अगर एक क्रॉसबो पड़ा है वो खत्म। देखो मैं उसके पास जाने का ट्राई कर रहा हूँ, वो मेरे पास आने का ट्राई नहीं कर रहा। मैंने कहा रुक जा बेटे, चल तेरे से क्रॉसबो की फाइट नहीं हो रही ना, तेरे को मैं पिस्टल से मार कर ले बेटे, पटाक पटाक। ओ नहीं लगी बे, ले बेटे ले ले। अभी लगता है मेरे को दूसरे पिस्टल में स्विच करना पड़ेगा, पर अपने पास है नहीं, एक ही पिस्टल है बस। एक बार 5 गोली लोड मार ले 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 भाई, किधर किधर ले बेटे, गया ना आ गया मजा। तो चलो गाइस अभी जो है ना निकलते हैं यहाँ पे से हम लोग फटाफट से आगे की साइड। भाई अपने अपनी हेल्थ भी कम है, तो मुझे जो है ना फटाफट से अपनी को हेल्थ करना पड़ेगा। सो उसके बाद जो है ना गाइस मैंने फटाक से अपने आप को हेल्थ वगैरह करा प्रोन होके। सो उसके बाद मैं यहाँ पे से रोड फार्म करने के लिए जा ही रहा था, एंड देखो भाई इस गेम पे ऐसे ऐसे सीन यार दिखेंगे आपको, ठीक है तो डरने की कोई बात नहीं है। बंदे कभी टेढ़ा भागते हैं, कभी उल्टा होके भागते हैं, कभी सो के अंडरग्राउंड भागते हैं, उसका गाइस कुछ नहीं कर सकते। हाँ अंडरग्राउंड वाले का, अंडरग्राउंड वाला तो अंडरग्राउंड से ऐसी गोली मारता है ना पिछवाड़े में, सब निकल जाता है, और मारी भी है यार इस सर्वर में। ओ भाई डंडे से भाई, तभी बोलते ना एटलीस्ट रोड में निकल रहे हो तो सावधानी से निकलो, एटलीस्ट पिस्टल लेके निकलो। इस न्यू सर्वर में ना पिस्टल ज्यादा खतरनाक होती है भाई, इजीली आप लोग कट्टे से मार सकते हो। तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे ये बंदे को तो मारा, इसके बदले की रोड फार्मिंग मैं कर लेता हूँ भाई। जैसे उसके बाद मैं निकल रहा था, एंड देखो भाई भाई तभी बोलो ना क्रॉसबो या फिर पिस्टल लेके निकलो, पिचकारी मारा पचाक पचाक बंदों में। देखो भाग रहा है भाई, टेढ़ा मेढ़ा भाग के कोई फायदा नहीं है, मैं तेरे को मार के रहूंगा, रुक जा भाई रुको। मर गया, आई लाइक इट।
चलो गाइज यहाँ पे मेरे को कुछ पासवर्ड वाले रूम के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, दो मिले, फटाफट से उसको खोल देता हूँ। ठीक है चलो चलते हैं आगे। एंड अभी जो है ना मेरे को फटाफट से एयरपोर्ट का भी रूम चेक करना पड़ेगा। ओ भाई 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 पीछे से हमला, बैक अटैक फ्रॉम बैक, कुछ ज्यादा हो गया ना यार। आज पता नहीं क्या है गाइस, मैं आज पता नहीं इतना ज्यादा क्यों खुश हूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा व्हाई, ऐसा क्यों। आई थिंक गाइस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ओ भाई 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 डिसमेंटल करेंगे, बहुत कंपोनेंट है। तो यार यहां पे जो है ना तुम्हारा भाई डिसमेंटल कर रहा था, तुम्हारे भाई ने यार दूर से दो बंदे देखे भाई, निकल लो पतली गली से। देखो गाइस जैसे ही मैंने बंदों को देखा ना, फटाक से मैंने सामान उठाया अपना डिसमेंटल से और भाग गया उठा के, निकल बेटे। एंड देखो अभी जो है ना, फिर बाद में मैंने डिसाइड करा, चलो यार देखो, ओ भाई दो बंदे निकल 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 निकल, दो बंदे से पंखा नहीं लेना है, दो बंदे के पास क्रॉसबो होगा ना मेरी चटनी बना देगा, भागो यहां पे से। तो भाई बाद में तुम्हारे भाई ने पी माउंटेन ड्यू, थोड़ा सा दिल में जान आई। एंड तुम्हारे भाई ने कहा चलो चलते हैं, देखी जाएगी यार आर होगा या पार होगा या फिर अपना नुकसान होगा। फिर गाइस दिल में पत्थर रख के मैं निकल गया बंदों को मारने के लिए। एंड देखो भाई मुझे क्या पता था बंदों के पास ना ही यार पिस्टल है ना ही यार क्रॉसबो है, दिस इज नॉट गुड ब्रो, लेके आना चाहिए था कुछ। देखो ये बैठा हुआ भाई, हो भाई देखो बंदा छोटे से ट्री के पीछे हाइड हो रहा है भाई, ऐसे कैसे हाइड हो जाओगे। ले ओ भाई पलट गया एक मिनट में गाइस, उसने पूरे जज्बात बदल दिए। अब मेरे को पिस्टल से मारना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। भाई भाग रहा है लौटा भाग रहा है। चलो यार मैंने मारा। एंड अभी जो है ना फटाफट से हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इस बंदे के पास क्या माल होगा। मुझे तो नहीं लगता इसके बंदे के पास कुछ माल होगा, ले बेटे खा एक क्रॉसबो। तो चलो गाइस अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं। तो भाई यहाँ पे से मैं जा रहा था एंड दो बंदे जो है ना आपस में फाइट ले रहे थे। पहले मैंने डिसाइड करा चलो यार इन दोनों की फाइट में एंगेज नहीं होते हैं, भाई ये तो कतई मचेट से काट रहे एक दूसरे को। मैंने कहा भाई मेरे पास मचेट नहीं है, आई नीड योर मचेट। फिर मैं जो है ना गाइस यहाँ पे जुड़ा फाइट में। एंड देखो तुम्हारे भाई को जो है ना यहाँ पे मचेट भी मिलेगा। ओ भाई किधर किधर, मतलब दोनों ले गया, मचेट गिरा इसका, गिर गया भाई, मजा आ गया, मचेट मिल गया भाई। चलो यार अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं, रन रन ब्रदर रन, रन फॉर योर लाइफ। तो भाई यहां पे मैं आ गया था हार्बर में और मैंने क्या देखा, एयरपोर्ट में भी ब्लू है, हार्बर में भी ब्लू है। पर्पल कार्ड मिलेगा ना इस बाद में, ना मिले यार स्टार्टिंग के दो पर्पल कार्ड तो अपन को ही मिलेंगे। तो मैंने डिसाइड करा फटाफट से जो ना हम लोग यहाँ पे बेस बनाते हैं। तो चलो गाइस मैं फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा फार्म वगैरह करता हूँ एंड फटाक से जो है ना अपने के लिए 2x2 का बेस बना लेंगे। वैसे मेरे को यहाँ पे नहीं रुकना है, अपन तो यार आइसमैन है, देखता हूँ यार बेस बनाने के लिए कौन सी लोकेशन बेटर रहेगी। वैसे यहाँ पे तो बेटर है, चलो यार ऐसे करते ना यहीं पे बना लेंगे। ना वहां पे गाइस मजा नहीं आ रहा है, वो काफी ज्यादा दूर हो रहा है। तो मैंने बाद में डिसाइड करा कि अपन जो है ना यहीं पे बना लेते हैं, क्या बोलते हो यहीं पे बना दे। ओके चलो गाइस फटाफट हम लोग यहीं पे बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे तक काफी बड़ा हो सकता ही है, सो और बड़ा बनाने का कोई भी जरूरत नहीं अपने को। तो चलो गाइस फटाफट से हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे कैबिनेट बना लिया, क्योंकि जो बेस होता है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो इसमें जो है ना अपने को कोई भी कैबिनेट वगैरह नहीं मिलेगा।
सो कैबिनेट यार मैंने ऑलरेडी बनाया, पर अभी जो ना अपन ने डोर नहीं लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर है कहीं पे बंदे जो है ना अपने को मार ना दे, क्योंकि अपने पास अभी लॉक्स नहीं है। चलो भाई इसको तोड़ता हूँ एंड फटाफट से जो है ना यहाँ पे डोर लगाता हूँ। भाई ये कहाँ से लग गया, एंड डालते हैं लॉक। भाई अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके गाइज यहाँ पे एक लॉक तो बन चुका है, फटाक से जो है ना मैं अपने बेस में डालता हूँ लॉक, और थोड़ा सा मटेरियल जो है ना मैं इसमें डाल दूंगा कैबिनेट में, ज़्यादा नहीं, 100 वुड सफिशियंट है। तो ओके गाइज यहाँ पे अपना बेस लगभग बन के रेडी हो चुका है, एंड फटाक से जो है ना एक स्लीपिंग बैग प्लेस करता हूँ। ऑलरेडी अपने पास जो है ना क्लॉथ काफ़ी ज़्यादा है, सो इतने में तो अपना काम बन ही जाएगा। तो ठीक है गाइज यहाँ पे अपना बैग बन चुका है, तो चलो पहले देख के आता हूँ यहाँ पे लूट वगैरह है या नहीं है। अगर लूट होगा ना तो हम लोग ब्लू रूम कर लेंगे, क्योंकि अपने को SMG भी चाहिए। अभी तक अपने को SMG नहीं मिला, अभी तक हम लोग आदिवासियों की जिंदगी में जी रहे हैं, क्रॉसबो से फाइट ले रहे हैं, देसी कट्टा। भाई अब देसी कट्टा नहीं, हमको देसी SMG चाहिए। तो देसी SMG की ढूंढने के लिए यार मैं निकल चुका हूँ सीधा ब्लू रूम पे, देखते हैं यार देसी SMG मिलती है या नहीं मिलती, या फिर मॉडर्न जमाने की अपने को शॉटगन मिलेगी। भाई मॉडर्न जमाने की शॉटगन मिल जाएगा तो चलो कोई नहीं, हम लोग उसी से काम चला लेंगे। भाई है फटाफट से जाता हूँ, वायर डालता हूँ एंड ओपन करूंगा, देखते हैं गाइस देसी जमाने का मॉडर्न जमाने की शॉटगन मिलेगी या देसी जमाने की SMG मिलेगी। आपको क्या लगता है, मास्क भी नहीं है, रेडिएशन भी काफी पड़ रहा है, रेडिएशन का डैमेज भी यार 5-5 का आएगा कुछ देर बाद। तो फटाफट से रूम करके अपने को भागना पड़ेगा, यहाँ से रुकना नहीं है। 20 वायर डालता हूँ, एंड ज़्यादा भी डाल सकता था पर डाला नहीं मैंने। चलो यहाँ पे से मेरे को एक एक्स मिला जो बढ़िया है, चाहिए अपने को एक्स क्योंकि फार्मिंग करेंगे अपन लोग थोड़ा सा। भाई 40 का रेडिएशन हो चुका है, एंड इसके बाद जो है ना 50 के बाद 5-5 का डैमेज। ओ भाई मिल गई SMG, देसी SMG मिल चुकी है। ब्लू पर्पल कार्ड तो नहीं मिलेगा अभी, पर्पल कार्ड में टाइम है लगभग। चलो भाई निकलो। तो भाई यहाँ पे जो है ना एक काफी गजब का सीन होगा। तो मेरे बेस के बगल में कुछ बंदों का बेस था, एंड उन्होंने जो है ना गाइस मेरे को वहां से आईबीन हार्पर से आते हुए देख लिया था, एंड मेरे पास यार SMG भी नहीं था और रेडिएशन से अपना हेल्थ जो है ना काफी ज्यादा जा रहा था। तो मैं यहाँ पे फाइट वगैरह लेने लगा, एंड बंदे ने जो है ना गाइस मेरे में एक क्रॉसबो मारा एंड अपनी हेल्थ खत्म। तो मैंने कहा भाई अंदर घुसने दे, ओ भाई बच गया, बस यार अपना SMG नहीं गिरना चाहिए। चलो सेल्फ करते हैं। चलो यार कोई नहीं, SMG नहीं गिरा, ओनली पिस्टल गिरा, जरूरत भी नहीं है। सो उसके बाद जो है ना गाइस मैं आ चुका था फटैक से अपने बेस में। सो मैंने डिसाइड करा सबसे पहले तो अपना SMG लर्न करते हैं, देखते हैं अपने पास इतना स्पीयर है या नहीं है। वैसे स्पीयर तो है अपने में, अपन लोग SMG यार इजीली लर्न कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से करते हैं भाई, 503 स्पीयर है, बट वो बात तो सही है, पर SMG बनाने के लिए मेरे पास वर्क बेंच मिड नहीं है। मुझे लगता है अभी अपने को थोड़ा सा यार रोड वगैरह फार्म करना पड़ेगा, या फिर रोड से जितने भी कंपोनेंट्स मिलेंगे वो हम लोग डिसमेंटल कर लेंगे। भाई बहुत हार्ड हो रहा है, हार्ड मुझे लगता है यार आप लोग किस तरीके से खेलते हो यार, सोलो में लिटिल बिट हार्ड है यार। जब से हमारे वो निकले ना, क्या बोले, स्पिरिट मॉन्स्टर्स, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है ना गाइस स्पीयर्स फार्म करने में होता है। एटलीस्ट गेम वालों को ना स्पिरिट मॉन्स्टर नहीं निकालना चाहिए था, उससे जो है ना काफी बंदों को इजीली स्पीयर्स मिल जाता था। बट अब क्या कर सकते हैं यार, गेम वालों ने थोड़ा सा गेम इजी तो बनाया पर इसके बाद जो है ना हार्ड भी काफी बना दिया। पहले लेवल 1 का मास्क ढूंढो, उसके बाद लेवल 2 का मास्क ढूंढो, उसके बाद अलाना ढूंढो, उसके बाद फलाना ढूंढो, उसके बाद ढिमगाना ढूंढो, ढूंढते ढूंढते जिंदगी खत्म। चलो कोई नहीं गाइस, अपनी SMG तो यहाँ पे लर्न हो चुकी है पर अपने पास स्पेयर्स वगैरह नहीं है। सो मैंने डिसाइड करा यहाँ पे से हम लोग थोड़ा सा सामान वगैरह उठा लेते हैं
जो हम लोग यहाँ पे से चलेंगे सीधा शॉप में एंड डिसमेंटल करके लेके आएंगे। तो भाई यहाँ पे मैं क्रॉसबो बनाने का ट्राई कर रहा था, पर अपने पास क्रॉसबो तो है नहीं, बट एक दो क्रॉसबो है, चलो कोई नहीं, उससे अपन लोग काम चला लेंगे। फटाफट से जो है ना अपन लोग क्रॉसबो की एमो बनाते हैं। भाई बनके रेडी हो गई, चलो चलते हैं। तो भाई यहाँ पे से जो है ना मैं जा ही रहा था, एंड देखो बंदा डंडे से, भाई डंडा नहीं लेके आना, अरे भाई डंडा नहीं, पिस्टल या फिर क्रॉसबो ले भाई, यह भी बताना पड़ेगा यार। चलो भाई अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं। एंड देखो भाई यहाँ पे जो है ना बंदा आई थिंक स्पॉन हो रहा है, ढंग से लोड भी नहीं हुआ, क्या करे, मारे मार दिया भाई मैंने सीधा हेड में, ले काट दूंगा एकदम। तो भाई यहाँ पे जो है ना हम लोग पहुंचे थे शॉप में, एंड शॉप लूट के जो है ना एक बंदा भाग रहा था। मैंने कहा भाई मैं शॉप में आया एंड तुम शॉप लूट के भाग रहे हो, ऐसे कैसे, ले बेटे गया। पर मिलता यार कुछ नहीं है, वैसे मेरे को तलवार मिली है। भाई यहाँ पे एक और बंदा आया, मतलब मेरे को चेन से यार ये वो भी फार्म डिसमेंटल नहीं करने दे रहे। भाई दिस इज सो बैड ब्रो, आई नीड टू डिसमेंटल माई कंपोनेंट्स बिकॉज आई नीड स्पेयर, दिस इज सो बैड, आई थिंक आई नीड टू किल यू, वेयर आर यू ब्रदर, वेयर आर यू हाइडिंग, वेयर आर यू, ओ भाई ये दिख नहीं रहा है किधर गया यो, आई थिंक फुट स्टेप्स तो यहीं से, ओ ब्रदर हेयर आई कैन सी यू, ले गया भाई एक क्रॉस पॉइंट खत्म। भाई चकुआ भी था लौंडे के पास बट नहीं बच पाया, बट कोई नहीं, चलो यार अपन लोग फटाफट से आराम से अपने कंपोनेंट डिस्मेंटल मारते हैं। देख रहे हो अपने पास कितने कंपोनेंट है, भाई बहुत कंपोनेंट है भाई। उसके बाद में दोबारा कंपोनेंट डिसमेंटल करा थोड़ा सा, एक और बंदा आ गया अपने को कंफ्यूज करने। मैंने कहा ओ भाई ये तो कतई इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहा है, लगता है ट्रेन छूट रही है इस भाई की। लो भाई ढंग से छूट गई। चलो अब जो है ना लगता है अब जरा ट्रेन स्टेशन में आ चुकी है, अब कोई बंदा नहीं आएगा, हम लोग अब आराम से कंपोनेंट डिसमेंटल कर सकते हैं। तो भाई वहां पर से मैं सारे के सारे कंपोनेंट डिसमेंटल करके ला चुका हूं, एंड फटाक से जो है ना गाइस करते हैं मिड पे, फटाफट बनाएंगे एसएमजी एंड निकलेंगे बंदे पेलने। बट यार अपने पास स्प्रिंग काफी कम है, लगता है अपने को स्प्रिंग लाना पड़ेगा, एंड अभी इसमें टाइम लगेगा कम से कम 30 सेकंड तो लगेगा मिड होने में, पर हम लोग एसएमजी बनाने के लिए रेडी होते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे अपना वर्क बेंच जो है ना मिड हो गया है, एंड फटाक से जो है ना कम से कम एक एसएमजी या फिर दो एसएमजी बनाना बनता ही है, पर अपने पास यार स्टील नहीं है। एंड हाँ गाइस मेरा प्लान है इस वाले सर्वर में जो है ना हम लोग एक भी बॉड बेस नहीं लूटेंगे, ट्राई करेंगे गाइस, क्योंकि अपना प्लान है हैमर रेड का, बस हैमर रेड करनी है अपने को, वो भी बड़ा वाला हैमर। तो उसके लिए हमें लगता है एक दो बारी हैली फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने को रिफाइनर चाहिए होगा। ट्राई करेंगे गाइस, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता, पर अभी जो है ना अपने को थोड़ा सा बुलेट्स बनाना है अपने के लिए। चारकोल भी काफ़ी अच्छा है, सल्फर भी लगभग काफ़ी हो चुका है अपने में। लेट्स गो गाइस, जितना भी है बना लेते हैं जीपी एंड एमओ बना के निकलेंगे फटाक से बंदे मारने। तो भाई यहां पे जो है ना मैं आया था सीधा एयरपोर्ट, मुझे जो है ना वो पासपोर्ट वाला डोर जो है ना उसे चेक करना था कि बंदे ने लूट लिया या नहीं लूटा, क्योंकि अभी मैं रोड फार्म कर रहा था एंड ऑलरेडी अपने को काफी ज्यादा मिले थे, एंड अब जो है ना लेवल 2 के मिलने लगे, आई मीन बाट होगा। तो मैंने कहा डेफिनेटली मुझे लगता है बंदा डोर लूट लिया, फिर भी एक बार चेक करता हूँ, क्या पता लूट के भाग ही रहा होगा।
भाई अगर मिल गया ना अपन पेल देगा, अपन के पास एसएमजी है अभी भाई। लूट लिया बंदा, यहां पे ज़ॉम्बीज हो। ओके गाइस देखो बंदा जस्ट में लूट के गया है, देख रहे हो भाई किस्मत खराब। मुझे लगता है बायो भी लूट लिया होगा, बट यार जैसे तैसे करके सेकंड वाला डोर अपने को लूटना है। क्या बोलते हैं हम लोग लूट पाएंगे? भरोसा तो हो गई ना। देखो गाइस एक गजब की ट्रिक बताऊंगा आज आपको। तुम्हारा भाई जो है ना, भाई एक चीज है, मैं आज जो है ना नॉर्मली बात कर लें, काफ़ी बंदों को ना अपने से प्रॉब्लम है कि मैं ग्लोबल खेलता हूँ। एक्चुअली मैं रियलिटी में बताता हूँ, बंदों को मेरा ग्लोबल देखना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ऑफिशियल। सो उनको वहाँ पे कहानी मिलती है, तो इसलिए काफ़ी इंडियन भाई लोग, मुझे पता है जितने भी मेरे को देखते हैं ना सब छोटे भाई लोग हैं, फ्री फायर खेलने वाले भाई लोग हैं। सो उनको ना कहानी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सो वो लोग वही देखते हैं। तो इसीलिए गाइज मैं जो मार्केट में डिमांड है मैं उस हिसाब से खेलता हूँ। तो भाई लगता है जो ज़्यादा ट्रोल करते हैं ना जरा उनका दिमाग कच्चा है भाई, लगता है उन्हें एक बारी बिजनेस क्लासेस लेनी चाहिए। तो छोड़ो कोई नहीं गाइज, बाकी आप क्या बोल सकते हैं, हेटर्स होनी चाहिए। तो चलो यार अभी जो है ना अपन लोग सीधा करते हैं यहाँ पे ग्रीन रूम। मुझे लगता है ग्रीन रूम से जो है ना अपने को ब्लू कार्ड तो मिल ही जाएगा। फटिया के मरना नहीं चाहिए। ओके बच गया भाई। आजकल तो गाइज कुछ ऐसा भी हो गया है, कभी कभार तो फैटी भी दारू पी के आ रहा है भाई, एक फटने में मार देते हैं सीधा 150 का हेल्थ खत्म। भाई ऐसा तो हेल्थ नहीं होता था। और एक बॉड बेस में भाई साहब क्या ही मारता है स्नाइपर, सीधा एक बुलेट में नक एंड दूसरी बुलेट में फिनिश। अगर आप लोगों के साथ भी हुआ है तो यार प्लीज बताना जरूर, नहीं तो यार मेरे को तो उसने कुत्ते की तरह मारा है। एक दिन गाइज आपको क्या ही बताऊं भाई, रूम करने गया बॉड बेस लूटने गया था, बट उसने मेरी नानी दादी याद दिला दी भाई। इतना मारा अब क्या ही बोलूं मैं, तब से मैं बॉड बेस लूटने नहीं गया अभी तक। चलो कोई नहीं गाइज अभी अपन लोग यहाँ पे का ग्रीन रूम करते हैं, देखते हैं अपने को कार्ड मिलता है। भाई कार्ड मिल गया, चलो कार्ड हम लोग बाद में उठाएंगे, इसमें एसएमजी। ओके बैरल मिली एआर की, ब्लू कार्ड उठाता हूँ और चलता हूँ। क्या हम लोग दूसरा भी चेक करें? वैसे गाइस यहाँ पे मैंने दूसरा वाला रूम भी चेक किया था, सो उसमें भी अपने को ब्लू कार्ड मिल गया था। मैंने डिसाइड करा यार दोबारा क्या दिखाना, एंड अभी जो है ना गाइस यहाँ पे मैंने डिसाइड करा चलो फटाफट से हम लोग मिलिट्री न्यूक्लियर का डोर 2 देख के आते हैं कि कितने पासवर्ड चाहिए अपने को, फिर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। अगर 2 चाहिए होगा एक ढूंढेंगे, बाकी आप लोगों ने गाइस प्रोबेबिलिटी तो पड़ी होगी ना, आज वो ही करेंगे हम लोग। वो कैसे? गजब की ट्रिक है, देखते रहिए। बट अभी लगता है मेरे को यहाँ पे रूम आ चुका है, और फटाफट से हम लोग जो है ना ब्लू कार्ड उठा के भगते हैं यहाँ पे से। हाँ 3 घंटा हो गया भाई, ब्लू कार्ड उठाना पड़ेगा। चलो बस बंदे न... ओ भाई बंदा आ गया, देखो भाई मेरा सब्सक्राइबर आ गया, मारना पड़ेगा। ओ मेरा सब्सक्राइबर कार्ड ले गया, रुक जा भाई अंदर मत घुस के भाई मत कर। नहीं घुसा भाई, किधर भाई मेरे सब्सक्राइबर भाई कैसे मतलब तुम्हें मैंने ज्ञान दिया, मेरा ज्ञान मेरे में भारी पड़ रहा है भाई। ये बात तो है, मेरा ज्ञान ना मेरे में भारी पड़ता है भाई, ये सही बात नहीं है। बट कोई नहीं, हम लोग पूरा रेडी होके आए थे, एंड तुम्हारे भाई ने जो है ना पर्पल कार्ड उठा लिया भाई, मजा आ गया। तो फाइनली गाइस एक पर्पल कार्ड तो मिला, बाकी और पर्पल कार्ड हम लोग देखेंगे। तो चलो गाइस आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, काफी बड़ा वीडियो हो चुका है। बाकी डे 1 का हम लोग आधा पार्ट डे 2 में ले लेंगे। सो चलेगा गाइस,
तो चलो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड मन करे तो यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप लोग बताना जरूर कि आज का जो हमारा वॉइस ओवर था उसमें आप लोगों को मजा आया या फिर कैसा लगा, क्योंकि आज ये ना मैंने थोड़ा सा चेंज करा, मतलब यार थोड़ा सा हंसमुख होकर बात करेंगे, मजा काफी ज्यादा आएगा। तो यार अभी जो है ना हम लोग अपना सारा का सारा लूट सेव करते हैं एंड बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब मैं चलता हूँ सीधा सोने के लिए, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 12-1 बज चुके हैं, तो बनता है भाई सोना। तो बाय बाय गाइस, सी यू, गुड नाइट, लव यू एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। सो बाय बाय गाइस, सी यू।